बोलो रे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े मोशनल ईएमएफ, जिसमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़े डीईएमएफ इज वी क्रॉस। पिछले क्लास में जो पढ़े, पिछले दो तीन क्लास, डीवी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ये चीज हम लोग पढ़े, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हाँ पढ़े, सर। और दूसरा फॉर्मूला पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस माइनस वी क्रॉस बी। इस पे हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, समझ में आ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे माइकल फराडे, उन्होंने एक अपना अलग ही तरीका बताया था। उस समय फराडे के जमाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जानते थे, न्यूक्लियस नहीं समझते, समझ गया, अबे सही। तो उन्होंने एक हाँ अलग सर। नया टेक्निक बताया था ईएमएफ कैलकुलेट करने का, ठीक है, जो आज भी उतना ही वैलिड है, ठीक है। फराडे लॉ कहाँ से आया, कैसे आया, ये आज तक किसी को नहीं पता, ठीक है, बट फराडे लॉ उन चीजों को भी एक्सप्लेन कर देता है जो चीज आज के दिन में मॉडर्न जमाने में सारा टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम एक्सप्लेन दूसरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, समझ में आया। फराडे नहीं कर पाता लॉ इज सर। एक्चुअली फंडामेंटल लॉ, ठीक है, समझ गया। दो चार लॉ है ना, ठीक हाँ सर। है, फिजिक्स में टोटल मिला करके मैक्सवेल जी ने बोला चार लॉ, चार लॉ में से एक लॉ जो है वो फराडे लॉ, दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता, बट इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी ट्रू, आज तक गलत नहीं हुआ। और आज तक बिना रीजन के कई सारे चीज को एक्सप्लेन करता है जिसको मोशनल ईएमएफ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा, ठीक है। सो अब देखो क्या हो, सही, अबे सही। तो हाँ क्या होता है, फ्लक्स, हाँ हम सर। मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी डॉट डी, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बात करते थे ना, डी फाई इज इक्वल हाँ टू सर। ई डॉट डी ए डॉट डी ए, ये बिल्कुल ई वैसे डॉट ही, डी ए ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या समझते थे रे, बोलो रे। नंबर वेरी ऑफ इलेक्ट्रिक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। गुड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस, नंबर ऑफ लाइंस होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही होता है, सही, ठीक है। हाँ मैग्नेटिक सर। फ्लक्स का मतलब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही होता है। जब भी फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट डी ए, ठीक है। अब फराडे जी ने क्या बताया, हाँ सर। फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स तीन चीज पे डिपेंड करता है, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया, और तीसरा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, समझ गया, ठीक एंगल। है। ये बी हाँ एक सर। एरिया हाँ है और सर। थीटा, ठीक है, पहला चीज, सही। अब फराडे जी ने क्या बताया, एक तो फ्लक्स समझ गया, फराडे जी। जी ने बताया, फराडे लॉ उन्होंने क्या दिया, ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, फराडे जी ने बताया ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, समझ में आ। फराडे जी ने बताया कि किसी भी लूप में अगर फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ का वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसी तरह से जो एवरेज ईएमएफ होता है, ये टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, समझ में आया। एक एवरेज ईएमएफ होता है हाँ और एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है, ठीक है। फराडे जी ने बोला फ्लक्स सर। है डी फाई इज बी डॉट डी ए, ठीक है, समझ में, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी ए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी तरह से बदले, ठीक है, चेंज हो, ठीक है, अगर किसी भी तरह से चेंज होता है तो उसके उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ गया, ठीक है। अब हाँ ये फराडे लॉ, इस फराडे लॉ में अभी तक जो हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़े
वो भी आ गया और जो नहीं पढ़े वो सब कुछ आ गया। बट फराडे लॉ का एक ड्रॉबैक था कि फराडे लॉ सिर्फ और सिर्फ ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बताता था, डायरेक्शन नहीं बताता था, क्योंकि उस जमाने में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नाम का चीज होता ही नहीं। ठीक है भाई, समझ में? ईएमएफ होता था बट ईएमएफ क्यों होता था ये पता नहीं। फराडे जी ने लॉ दिया भाई ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कौन टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन टर्मिनल निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि उस जमाने में चार्ज के बारे में जानते ही नहीं थे। समझ में आया? अरे समझ आया। ठीक है, एक्चुअली फराडे जी ने बताया फराडे लॉ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बता। ठीक है, बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, 100-200 साल बाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई करके ईएमएफ बना दिया माइनस डी फाइव बी बाई डी। समझ में आ? इसको बोलते हैं लेंज। ये हो गया फराडे लॉ। फराडे लॉ क्या बताता है? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता। लेंज जी ने 200 साल बाद यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, समझ में? और उन्होंने बोला कि ठीक है ये जो हो गया ये कंप्लीट हो गया। ये माइनस साइन ये बताता है, माइनस साइन इज कॉल्ड लेंज लॉ। फराडे लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ईएमएफ। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, बाद में लेंज जी ने यहाँ माइनस लगाया और ये माइनस लगाने से ये पता चल जाता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल निगेटिव। ठीक है, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? दो दो चीज हुआ। ठीक है, एक फराडे फराडे लॉ जो होता है, पहले हम फराडे लॉ बता दें। ठीक है, तो फराडे लॉ और लेंज दोनों को जब मिलाते हैं तो ये आज के दिन में लॉ कंप्लीट होता है। फराडे लॉ ओनली गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, समझ में? ठीक है, ठीक है, द ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स कितने तरह से बदल सकता है? जो फ्लक्स होता है बी डॉट ए, ये कितने तरह से बदल सकता है? पहला, एरिया ऑफ लूप चेंज हो। ठीक है, अगर एरिया घटने बढ़ने लगे, देखो बी है, एरिया है और एंगल है। अगर बी कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है, एंगल भी ठीक भी कॉन्स्टेंट है, एरिया अगर घटने बढ़ने लगे तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर एरिया घटता या बढ़ता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका फ्लक्स चेंज होने का होता है। फ्लक्स जो बदल सकता है तीन तरह से बदल सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदले, या एरिया बदले, या एंगल बदले, या एंगल। अगर एंगल बदलता, ठीक है, मान लो कि बी भी कॉन्स्टेंट है, एरिया भी कॉन्स्टेंट है, बट बी और एरिया के बीच का एंगल चेंज हो रहा, ठीक है, तो इस तरह के ईएमएफ को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, एसी, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गए? अरे बोलो रे। ठीक है सर, फिर से बता दीजिए। सर सेकंड वाला बता दीजिए। अच्छा चलो, हम फिर से अलग से बताते हैं, आप तुम लोग कंफ्यूज जाओ। देखो फराडे जी ने बताया ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है? डी फाई होता है बी डॉट डी ए। बी डॉट फ्लक्स डिपेंड करता है बी पे, एरिया पे और थीटा पे, तीन चीज थीटा पे। ठीक है, फ्लक्स चेंज होने का पहला तरीका क्या है? कि डी ए चेंज करे। ठीक है, बी एंड थीटा क्या रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो इस तरह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अभी तक हम लोग पढ़े थे वो यही है एक्चुअली फराडे लॉ। फराडे लॉ में तीन पार्ट, पहला एरिया चेंज हो रहा हो सिर्फ, बी और थीटा क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है ईएमएफ इंड्यूस होने का? ठीक है, कि थीटा चेंज, ठीक है, और बी एंड डी ए क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, बस इन दोनों के बीच एंगल चेंज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग 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 वोल्टेज। समझ में आया? इसको एसी भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ में आया? ठीक है, जैसे
तुमने देखा होगा डायनेमो या जनरेटर, कभी देखे हो गांव में जनरेटर रे? यस सर, देखा है। ठीक है, उसमें एक डीजल इंजन होता है और साइड में एक ऐसा बड़ा सा एक ऐसा सिलेंड्रिकल शाफ्ट ऐसे लगा होता है, इसके अंदर खूब सारे वाइंडिंग। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेट होता है और एक कॉइल होता है। ठीक है, कॉइल का एरिया फिक्स होता है और मैग्नेट फिक्स होता है और ये घूमता है। ठीक है, इसको डीजल इंजन इसको पकड़ के घुमाता है, जिसके कारण क्या होता है, एंगल बदलता है और एंगल बदलने के कारण इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? दुनिया में जितना भी बिजली बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि एक बड़ा सा कॉइल होता है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के ऊपर से पानी गिराते हैं जिससे इसका ब्लेड घूमता है। अगर ये ब्लेड घुमा रहे पानी गिरा करके तो इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर। ठीक है, अगर कोयले के इंजन से इसको घुमा रहे तो इसको बोलते हैं थर्मल पावर। समझ में आया? और डीजल इंजन से घुमा रहे तो इसको बोलते हैं जनरेटर। समझ गया? तो ये तो हमारा अलग चैप्टर हो गया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चीज होता है, ठीक है, तीसरा होता है बी बदल रहा, बी वेरिएबल थीटा एंड डीए क्या हो, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका दुनिया बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब थोड़ा देखो ऐसा है कि टाइम खत्म हो रहा है, जरा लॉग इन करो फिर पढ़ाते। ये लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है, तो तीसरा तरीका जो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, आज भी हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। समझ में आया? ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ फैराडे अपने लेवल पे एक्सप्लेन करता है और इसके बारे में आज भी अपना नॉलेज बड़ा लिमिटेड है। सही? ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो फैराडे लॉ अगर थर्ड वाले का कोई एप्लीकेशन है क्या? हाँ आएगा, आएगा। हाँ सर, एग्जांपल अभी हम एग्जांपल देंगे भाई। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ और इसके बाद यहाँ। ठीक है, समझ गए? ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं इमोशनली, बस इसको फैराडे लॉ से जोड़ना है। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, इसका अलग दुनिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो बचा हुआ है वो यही बचा हुआ है, यही पढ़ाना है। ठीक है, ये अपने पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, अभी घबराओ नहीं। ठीक है, सो अब देखो फैराडे जी ने क्या बताया, द ईएमएफ है ना, कि वोल्टेज का है ना इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता। लेंज जी ने क्या करा भाई, 200 साल तक ये फैराडे लॉ चलता रहा, बट जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया, जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल डिस्कवर हुआ, तो लेंज जी ने क्या करा, ईएमएफ इज आल्सो इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, उन्होंने माइनस लगा दिया। माइनस क्या होता है, ऐसा नहीं कि तुम आंसर निकाले और माइनस चिपका दोगे, माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है, माइनस इज कॉल्ड लेंज लॉ। समझ गए? ठीक है, और लेंज लॉ ये बोलता है, ठीक है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट सुनो, कि किसी भी लूप में ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करता है, अपोज करने का कोशिश करता है। समझ गए? माइनस होता है कि ईएमएफ हमेशा ऐसा इंड्यूस होगा कि जो भी चेंज मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाए। समझ गए? समझ गए? तुम लोग क्लास अभी आओगे, अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो तकलीफ है कि ऑनलाइन क्यों चल रहा, जब ऑफलाइन होगा तो वो भी तकलीफ रहेगा, अरे यार ऑफलाइन काय हो गया। समझ में आया? तो हमेशा इंसान चीजों को अपोज करता है, तो वही लेंज लॉ। समझ में आया क्या? लेंज लॉ यही बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ये में ऐसा इंड्यूस होगा कि घटाएगा, और अगर घटेगा तो ऐसा इंड्यूस होगा कि उसको बढ़ाएगा। समझ में आया? ठीक है, दोनों लॉ मिल करके कंप्लीट लॉ बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फैराडे लॉ का बेसिक आइडिया दें, सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और इसमें लेंज लॉ जोड़ देंगे। सही है, लेंज लॉ समझ लिया ना, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये लेंज लॉ जाता, ये लेंज लॉ लिखना चाहो तो लिख लो, ईएमएफ इन अ लूप इज ऑलवेज इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हमेशा
अपोज करता है, मतलब फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो घटाता है और घट रहा है तो बढ़ाता है, ये माइनस साइन बताता है। और ये लेंज लॉ एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बताता है कि कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा और कौन सा एंड निगेटिव बनेगा। समझ गए? ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल देके तुमको समझाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले चीजों से हम रिलेट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक रॉड, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे तुमको समझाते हैं। ऑलरेडी हम लोग इमोशनल ईएमएम में पढ़ चुके हैं। ये एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल। ये रॉड वी वेलोसिटी से ऐसे चला जा रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, सही है। ये एंड पी है और ये एंड क्यू है, सही है। तो इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, हम लोग निकाले थे, इट इज बीएलवी, बीएल है ना। और कौन सा एंड पॉजिटिव होता है, पी की क्यू। अबे कौन सा पॉजिटिव था, क्यू पॉजिटिव पी नेगेटिव, तब पी पॉजिटिव, नहीं सॉरी पी उल्टा। ए शाश्वत मारेंगे इतना जूता मेरे तुमको, क्यू नेगेटिव रोके नहीं पास, मुझे लग रहा था क्यू नेगेटिव। मारो पर राहु केतु सवार है बे, ठीक है, अभी हम पढ़ाना शुरू नहीं किया कि तू भूल गए, कल ही पढ़े थे और आज भूल गए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस वी क्रॉस बी। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, रिसीवर समझ में आ रहा है रे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ, ऊपर ना, पी की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, नीचे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है मतलब ये पॉजिटिव या निगेटिव ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एंड से शुरू होकर निगेटिव एंड तक जाता है ना। हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये हमें पता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब हम इसको, ये तो हमारा मोशनल ईएमएफ से हमें नॉलेज है कि पी इज पॉजिटिव एंड क्यू एंड इज निगेटिव, ये हमें पता है। ईएमएफ होगा बीएलवी। अब हम इसको फराडे लॉ से जोड़ रहे हैं। ठीक है, फराडे लॉ में हमें पता है कि हमें एक फ्लक्स लिखना होता है, ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू डी फाई बाई डीटी। तो फ्लक्स लिखना होगा और फ्लक्स लिखने के लिए हमें एक एरिया लेना पड़ेगा, सही है। एरिया हमें को कैलकुलेट करना है, तो ऐसा एरिया ले जो हम कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, समझ में आया? ऐसा एरिया लेना है जो तुम ज्योमेट्री से निकाल सको, ऐसा नहीं कि हवा में ले ली एरिया और जोड़ नहीं पा रहे। तो अब हम एरिया एक बनाते हैं, देखो। ठीक है, ऐसा एरिया ले लें रेक्टेंगुलर, बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मान लेते हैं ये लेंथ कितना है किसी इंस्टेंट पे x, हमने एक ऐसा इमेजिनरी एरिया ले लिया जिसमें रॉड भी एक पार्ट है और ये हमारा एरिया है। ऐसा एरिया ले लें ये वाला, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, देखो b अंदर है, एरिया भी वेक्टर भी अंदर है, तो व्हाट इज द फ्लक्स इज बी एल एक्स, सही है, सही है। यस, अब देखो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज इक्वल टू डी फाई बाय डीटी, सो इट इज बी एल डीएक्स बाय डीटी, एंड व्हाट इज डीएक्स बाय डीटी इज वी, सो इट इज बी एल वी। फराडे का ये मैग्नीट्यूड बता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं बता है। फराडे लॉ ये बता देगा कि इस लूप में जो ईएमएफ, जो भी तुमने एरिया लिया है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, बीएलवी। बट कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड निगेटिव ये नहीं बताएगा, समझ गए? उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंज लॉ। समझ में आ रहा है? अब देखो हमने ये एरिया कंसिडर किया है, इधर वाला एरिया, इतने एरिया लिया ना, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स कैसे लिखे, समझ गए? ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ एल है रॉड के लेंथ के बराबर और ये डिस्टेंस एक्स है, सही है रे हर्षिता? अब ये जो है, ये रॉड अगर, अब देखो लेंज लॉ क्या बोले, ये रॉड अगर आगे जा रहा है, मान लो रॉड इधर आ गया, तो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? अबे ये रॉड इधर आया तो जो हम एरिया लिए वो एरिया बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि एरिया अभी छोटा था, अब ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है, फ्लक्स बढ़ गया। अगर फ्लक्स बढ़ गया तो लेंज लॉ क्या बोलता है
ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि इस बढ़ते कम हो जाएगा, क्या कराएगा कम, तो कम कैसे कराएगा? ठीक है, अगर देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन रॉड में ऐसा करंट फ्लो करे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाए, बाहर की तरफ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अगर इसमें ऐसा करंट फ्लो करे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस हो जाए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मैग्नेटिक कम हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, में इस रॉड में करंट क्यू से पी जाए या पी से क्यू जाए, कि इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो ना, तो नीचे से ऊपर करंट फ्लो करे या ऊपर से नीचे, इस तरफ बाहर प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर, वेरी गुड, इधर से है ना, ऐसा करंट फ्लो करने का कोशिश कर। तो इस रॉड में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये क्यू पॉजिटिव होगा या पी पॉजिटिव होगा? अब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू क्या होगा, करंट इधर सीधा जा रहा ना, क्यू पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पी नेगेटिव हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ तक तो फराडे लॉ तो सही चीज बताया कि भाई ईएमएफ बीएलवी होगा, बट लेंज लॉ ने उल्टा बता दिया कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जबकि मोशनल ईएमएफ से हम लोग जब निकाले थे तो पी पॉजिटिव था और क्यू नेगेटिव था, था ना, उन्होंने तो गलत बता दिया रे, गलत बता दिया ना। अब लेंज लॉ गलत बताया या तुम गलत बताए? सर क्यू नेगेटिव होगा, गदा कहीं का। देखो ये जो रॉड नेगेटिव, सुनो बे, करंट तो नीचे से ऊपर ही जाएगा, बट तुम्हें एक चीज बताए थे, ठीक है, अब सुनो क्या तुम गलती की। ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये माइनस प्लस ऐसे जोड़ दिए, वी वोल्ट का बैटरी, इसमें करंट ऐसा जा रहा, अबे हाँ कि नहीं, हाँ सर, तो बैटरी करंट किधर से किधर जा रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव अबे जा रहा है, हाँ सर, और रेजिस्टेंस में करंट किधर जा रहा, हायर से लोअर में। अब तुम ये बताओ कि ये जो रॉड है ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है या बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसा। ये तो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये रॉड रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है या बैटरी जैसा ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है? सर बैटरी जैसा। अबे ये बैटरी जैसा ना बिहेव कर रहा है। हाँ सर, रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट हो रहा है ना कि रेजिस्टेंस, समझ में आया? This rod is as a battery, not as a resistance. समझ में आया? और battery अगर current नीचे से ऊपर जा रहा है तो this end is negative and this end is positive. Battery में हमेशा current lower से higher potential की तरफ जाता, ठीक है? तो Lenz law समझ में आया, कैसे बताया कि ये negative है और ये positive है? नहीं sir. ठीक है, इसको और एक तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, कैसे सोचेंगे ये देखो, तुम्हें पता है, ठीक है, हम दूसरा तरीका बताते, तुम्हें पता है कि अगर ये रॉड, ठीक है, अगर ये रॉड इधर जाता है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा, ठीक है, तो इस रॉड के इधर जाने के कारण इसमें फ्लक्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, सही है, सही है। अगर इस रॉड को रोकने का कोशिश किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स किधर लगा, इधर, तो रुक जाएगा रॉड। हाँ सर, अब रॉड पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होता है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल, फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, क्यू से पी से क्यू। देखो इस रॉड में फोर्स इधर लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट क्यू से पी जाना चाहिए, क्योंकि एल क्रॉस बी होता है ना, तो ऊपर से नीचे, क्यू से पी अपवर्ड्स,
टी, तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, और करंट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा जिसके कारण ये रॉड का स्पीड कम होगा, ठीक है, कुछ हो गया, घट गया फ्लक्स, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एंड निगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, लेंज लॉ का ये मतलब है, ना कि ऐसा ये हम निकाले और इसके आगे माइनस लगा दिया, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। लेंज लॉ ये बोलता है कि जिस भी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाने का कोशिश करेगा और घटेगा तो बढ़ाने का कोशिश करेगा, और इससे हमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पता चलता है। फराडे लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देता, ठीक है, कि भैया मैग्नीट्यूड इतना हो, सही समझ में आया क्या फराडे लॉ? हाँ सर, ठीक है, मोशनल ईएमएफ और फराडे लॉ समझ गए। फराडे लॉ अगर तुमको समझ में आ गया तो ये एक मिनट का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, समझ गए हो इतना? एक और क्वेश्चन ले ले फटाफट, क्योंकि अभी फराडे लॉ अपने को पहला मेथड पढ़ना है, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन हम लोग और किए थे कि एक रॉड था जिसका लेंथ एल था और ये ऐसे घूम रहा था, हम लोगों ने निकाला था ईएमएफ अक्रॉस पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद आया? और अगर ये रॉड ऐसे घूम रहा है तो Q पॉजिटिव था या P पॉजिटिव था? ये रॉड ऐसे घूम रहा है तो मोशनल ईएमएफ P नेगेटिव था, P नेगेटिव था, Q पॉजिटिव, क्रॉस B ऊपर, फिर से अच्छे से देखो मूर्खों, तो P पॉजिटिव, ये ऐसे घूम रहा, V इधर रहेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V? पॉजिटिव हो जाएगा, Q नेगेटिव है, उसमें उल्टा घूम रहा था, इसमें सीधा घूम रहा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। देखो चेक करो, जैसी बात चेक करो, देखो ये रॉड है V, देखो ना V क्रॉस भी ऊपर इलेक्ट्रिक किधर, नीचे टुवर्ड्स क्यू, अरे सीबा समझ में आया, ये रॉड है सर, ये ऐसा करके ऐसे घूम रहा, तो यहाँ का वेलोसिटी V इधर, B अंदर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस भी ऊपर, V क्रॉस भी ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव एंड Q इज निगेटिव, समझ में आया? ये तो हमारा मोशनल कर दिया, अब इसी को हम लोग फराडे लॉ से करें। फराडे लॉ सीखना बहुत जरूरी है कि हर चीज मोशनल ईएमएफ से नहीं होता, ठीक है, बट हर क्वेश्चन फराडे लॉ से हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये रॉड इनिशियली यहाँ पे है, मान लो थोड़ी देर में रॉड कहीं यहाँ आ गया, ठीक है, हम ये वाला एरिया कंसिडर करते हैं, ये वाला एरिया मान लेते हैं, ये कितना घूम गया, ओमेगा इनटू टी, टी टाइम में थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, सो व्हाट इज द इज बी इनटू ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया अभी हम ग्रीन रंग से शेड कर रहे हैं, ये एरिया बताओ रे, इट इज पाई एल स्क्वायर बाय देखो तो अगर एंगल 2 पाई होता तो एरिया होता पाई एल स्क्वायर, अगर एंगल 1 होता तो इट इज पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई, अगर एंगल थीटा है तो एरिया, ये ठीक लिखे हैं? हाँ सर, ठीक है, पाई पाई खा गए, दिस इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा, अब यहां से ऐसा डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है, व्हाट इज डी थीटा बाय डीटी, अब डी थीटा बाय डीटी ओमेगा ना, ओमेगा सर, ये देखो फराडे लॉ बता दिया, हाँ सर, हाँ सर, बाय टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बता दिया ना, अब लेंज लॉ बताएगा कि पॉजिटिव कौन और नेगेटिव कौन, ठीक है, फराडे लॉ ने मैग्नीट्यूड बता दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ईएमएफ, आ गया बराबर है, ठीक है। अब लेंज लॉ क्या करेगा कि तुम ये बताओ कि जब ये रॉड इधर जा रहा है तो ये फ्लक्स जो ये सेटेड रीजन का है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना, इसमें करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर है, तो यहाँ पे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमे ना इस रॉड में, ऐसे जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा, अब ऐसे ना जाए, ऐसे डर डर के क्या बोल रहे, अगर करंट ऐसा जाएगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव,
ये समझ में आया रे? यस सर। बोलो सर आ गया। चलो ठीक है, अगले दिन ज्यादा टेंशन लेके ना पढ़ो, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? अगले दिन बताते हैं, ठीक है? सभी को समझ में आया? हाँ रे बोलो। सर ये लॉ थोड़ा नहीं आया। क्या बोल रहे हो? सर ये जो लॉ था ना आखिरी वाला, लेंज लॉ, लेंज लॉ, देखो लेंज लॉ क्या, ये वाला रॉड अभी यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ये एरिया हम कंसिडर कर रहे है ना। अगर ये रॉड यहाँ चला जाएगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा? हाँ सर। तो बढ़ जाएगा। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड। रॉड अभी यहाँ पे है, इस रॉड पे किधर फोर्स लगेगी? रुके ये, क्योंकि घूम इधर रहा है तो फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो करंट किधर? फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट किधर? क्योंकि हम लोग पढ़े राइट साइड, ऐसा ना, करंट ऐसे जाए ना। हाँ सर। ऐसा जाएगा तो ये निगेटिव है, इसके सही। हाँ सर। लेंज लॉ हो गया। लेंज लॉ में कुछ नहीं है कि अगर रॉड आगे जा रहा है तो पीछे जाने का कोशिश करेगा, पीछे जा रहा है तो आगे आने का कोशिश करेगा, समझ में आया? अब वो कोशिश कैसे करेगा, फोर्स लगा के करे या करंट के डायरेक्शन से, तुमको जज करना। अभी और बताएंगे, धीरे धीरे करके क्लियर कर देंगे, ठीक है? अभी घबराओ नहीं, ठीक है? फैराडे लॉ ही पढ़ना है वाला, सही। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बी डॉट डी ए है ना, कि मतलब नॉर्मल। तो ये एरिया वेक्टर किधर लोगे? इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे रहेगा ना। हाँ सरफेस के, इसके एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ सही। और बी भी अंदर है, तो बी और ए के बीच एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर समझते हो ना, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। हाँ सर। हाँ हाँ। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। और थैंक यू सर। चलो बोलो। थैंक यू सर। देख लेना अगले क्लास से, थोड़ा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे, ठीक है? बट ये क्लास मिस करोगे तो ना बताएं, क्लास मिस करने का कोई इलाज नहीं है। बोलो रे, और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं।